बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं लच्छा पतीशा। बनाने के लिए एक कप चीनी है हमारे पास, एक चम्मच घी है, एक कप मैदा है, एक चम्मच बेसन डाल दिया था हमने उसके अंदर, हाफ कप से पानी लेंगे, इसका हम खीरा बना लेंगे। इसकी भी मैश की थी हमने एक कप चीनी और एक कप मैदे की। अब मैदे को 5 मिनट के लिए भून लेते हैं अच्छा सा। घी डाल देते हैं, मैदे और चीनी को 5 मिनट के लिए अच्छा सा भून लेते हैं। मुसलसल चमचा हिलाते जाना है। खुशबू आने लगी है, इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए और भून लेते हैं। कलर भी चेंज हो गया इसका। इसको हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन के अंदर। खुशबू आने लगी है, इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए और भून लेते हैं। कलर भी चेंज हो गया इसका। इसको हम निकाल लेते हैं किसी बर्तन के अंदर। इसी बर्तन के अंदर हम अपना शीरा बना लेते हैं। उसको पानी डाल देते हैं। हमने इसको इतना पकाना है कि ये एक तार बन जाए। चीनी हमारी मिक्स हो गई, हाफ चम्मच लेमन का जूस भी डालेंगे इसके अंदर।
इसको आप ठंडा कर लेते हैं किसी खुले बर्तन में। ये हमने ठंडा करके प्लेट में निकाल लिया है। इसका हमने 7-8 दफ़ा ऐसे कर लेना है। ये जो हमने मैदा फ्राई किया था उसके अंदर मैदा लगाते जाना है। तकरीबन ये 20-25 मिनट हमने ऐसे करना, 20-25 दफ़ा ऐसे करना है। मैदा भी ऊपर लगाते जाना है इसके। ये माशाल्लाह से तैयार हो चुके हैं। एक कप है इसमें हमने पिस्ते बादाम डाल दिए थे। ये हमने कुछ तैयार कर लिए, एक और बना लेते हैं। व्यूअर्स, हमारी आज पिस्ता पतीशा लच्छे की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन पर क्लिक करना। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। बहुत ही आसान है, ज़रूर ट्राई करना। अल्लाह हाफिज़।